बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में श्री विद्मी में। और देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में दो टाइप की वैकेंसी आ रखी है। एक टाइप की वैकेंसी के बारे में हम कल बता चुके हैं जो थी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी इंडियन कोस्ट गार्ड में बनना चाहते हैं तो अब वो वीडियो देख सकते हैं, कक्षा 10 पास वालों के लिए वीडियो था। अब ये जो वीडियो अगर आप भारतीय जो अपना तटरक्षक दल है जिसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप अफसर बनना चाहते हो, असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर आपकी नियुक्ति होगी, आप ग्रुप ए के अफसर बनाए जाएंगे, अगर आपको ये बनना तो आप ये वीडियो देखिए। डिटेल में सारी की सारी बातें इसमें हम जान लेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, आपको असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर जो है ना नियुक्ति की जाएगी और इसमें जो है ना मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे 24 मई से शुरू हो जाएंगे और 4 जून तक चलने वाले हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी तक शुरू नहीं हुए हैं, कुछ दिनों बाद शुरू हो जाए। आप डिसाइड कर लीजिए और शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी भी, क्योंकि जो है ना एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। आगे देखेंगे, डेट के बारे में बता चुका हूँ। द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफर ए चैलेंजिंग करियर टू यूथ, ठीक, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। फॉर वेरियस ब्रांच आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन भरने, आप ग्रुप ए के गेस्टेड ऑफिसर बनाए जाएंगे, आप किसी की भी फोटोकॉपी अटेस्टेड कर सकते हैं, काफी क्रेज होता है इसका, मोर भी आपकी बनेगी, ठीक है। तो आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जाके www.joinindiancoastguard.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन भर सकते हैं। कोई भी भारत का नागरिक, ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। अब देखो जो जनरल ड्यूटी है इसमें सिर्फ मेल वाले बच्चे फॉर्म भरेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में आपको क्या होना चाहिए, कैंडिडेट हुआ पास्ट बैचलर डिग्री, मतलब कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए मिनिमम 60% नंबर के साथ में। आप कभी भी देखिए जो भी इंडियन कोस्ट गार्ड की वैकेंसी होती है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, अगर आपको ग्रुप एक अफसर बना रहे हैं तो आपको मिनिमम 60% नंबर की ग्रेजुएट में जरूरत होती ही होती है, ठीक है। तो आपके ये हो गए, ठीक है, एक तो आप ग्रेजुएट में 60% नंबर होना चाहिए और साथ में मैथ्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अब तक, मतलब कक्षा 12 में आपने मैथ और फिजिक्स जरूर पढ़ी हो, ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। और 60% नंबर होने चाहिए मैथ्स एंड फिजिक्स में आपके कक्षा 12 में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो मतलब आपने कक्षा 12 जो आपने पास की हो वो आपने ले रखी हो पीसीएम, ठीक है, और पीसीएम में भी आपके मिनिमम 60% नंबर हो और ग्रेजुएशन में भी आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो जो जनरल ड्यूटी, ये जो जनरल ड्यूटी है ये है परमानेंट कमीशन, मतलब आपकी नौकरी 56 साल तक होने वाली है, ठीक है। और जो ये जनरल ड्यूटी एसएसए, इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, एसएसए का मतलब शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। आपकी नौकरी शुरुआत में 10 साल की होगी, फिर 2 साल बढ़ाई जाएगी, फिर 2 साल बढ़ाई जा सकती है, इस तरह आपकी नौकरी टोटल 14 साल की हो सकती है, ठीक है। तो ये शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट के बारे में बात हो गई। आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में होनी चाहिए और ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल वालों के लिए है, ठीक है। तो मतलब जो परमानेंट कमीशन है वो मेल कैंडिडेट के लिए, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो फीमेल कैंडिडेट के लिए, और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस सेम है और आपकी डेट ऑफ बर्थ भी दोनों में सेम है। आगे देखेंगे इसके बाद कमर्शियल पायलट एंट्री। तो देखिए इसके पास ये वैकेंसी वही बच्चे फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास CPL है, मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, जो अपना DGCA होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो होता है, जो एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ भाई यू आर पायलट। आपने देखा होगा जहाज़ों को जो नॉर्मल इंडिगो एयरलाइंस या कई सारी हैं आपने देखा होगा, तो उनके जो प्लेन उड़ाते हैं तो उनके पास होता है ये CPL, मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अगर आपके पास वो है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। इसमें मेल एंड फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो मुख्य चीज़ है वो आपके पास CPL ही होना चाहिए, ठीक है, और कक्षा 12 पास होने चाहिए 60% नंबर के साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ के। अगला देखेंगे जो इसके बाद अगला पद पर भर्ती है, टेक्निकल इंजीनियरिंग के पद पर भर्ती, टेक्निकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल के पद पर। तो इसमें देखेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में होनी चाहिए और इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो आप जिसे जानते हैं 60% तो आपके ग्रेजुएट में होना चाहिए, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग में आपके 60% नंबर होने चाहिए और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में नेवल आर्किटेक्चर, ठीक है, मैकेनिकल और मेरीन में, या ठीक है इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में, मेटलर्जी में, और डिजाइन एंड एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस में, किसी में भी आपका जो है ना अगर है बैचलर डिग्री तो आप इसमें जा सकते हो इंजीनियरिंग ब्रांच में। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए आप यहां से देख सकते हो, अगर आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, और कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ पावर एनर्जी एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए यहाँ से जा सकते हो, बट नंबर आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% नंबर होने चाहिए, ठीक है, तो ये बात इसकी हो गई। और आपके जो है ना जब आप कक्षा 12 में हो तो कक्षा 12 में भी आपके 60% नंबर होने चाहिए क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ।
वैसे फिजिक्स और मैथ में ही देख रहे हैं, केमिस्ट्री में नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, अगर आपने किसी ने मैथ ली है तो केमिस्ट्री लेगा ही लेगा, तो मतलब पीसीएम का तो एक कॉम्बो बनता ही है, ठीक है। इसलिए मैं नॉर्मली फिजिक्स और मैथ नहीं कह रहा हूँ, मैं पीसीएम में कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो लॉ की पोस्ट है उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में होनी चाहिए। मेल एंड फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसमें आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, जिसे आप एलएलएम कहते हो। एलएलएम 3 साल का कोर्स होता है और इसमें मिनिमम आपके 60% नंबर होने चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। और ये देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, 10 साल तक एंड बाद में 14 साल तक के लिए आपकी बढ़ाई जा सकती है। मैक्सिमम 14 साल की आपकी ये नौकरी होने वाली है। एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि इस वैकेंसी में एससी एसटी ओबीसी के लिए सबके लिए उम्र सीमा में रिलैक्सेशन है। कितना होता है? ओबीसी के लिए 3 साल होता है, एससी एसटी के लिए 5 साल उम्र सीमा में रिलैक्सेशन दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में। और एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि जैसे कि इसमें मांगा गया है कि आपकी बैचलर डिग्री में 60% नंबर होना चाहिए। इन केस अगर आप एससी एसटी हो, दोबारा से सुनिए, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अगर आपके 55% नंबर भी हैं बैचलर डिग्री में, देन यू आल्सो एप्लीकेबल। बात समझ गए बच्चों, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, अगर आपके पास एनसीसी का एक ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, मतलब आपको छूट मिलेगी, अप्लाई तो कर ही सकते हो। 55% नंबर की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो, नेशनल लेवल के इंटर स्टेट या वो आपने खेल रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपके अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपको ज़्यादा 60% नंबरों की दरकार नहीं, सिर्फ 55% नंबर ग्रेजुएशन में है तो भी आपका काम चल सकता है, ठीक है। तो ये बात इसकी हो गई। अब देखो, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईडब्ल्यूएस, इसमें ईडब्ल्यूएस सेक्शन का भी रिजर्वेशन रहेगा। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में आपको ये सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। तो ये बात इसकी होगी। हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि जो बच्चे अभी अपीयरिंग में है, ठीक है, मतलब जिनके हाथ में अभी तक रिजल्ट नहीं आया, सीधी बात कह रहा हूँ, जिनके हाथ में अभी तक रिजल्ट नहीं आया, वो बच्चे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक। अपीयरिंग के स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। देखिए, ओनली कैंडिडेट क्लियर द फाइनल ईयर, मतलब कि आप पास हो चुके हैं, वही बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। डेट वगैरह के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि आप कितनी से कितनी डेट के बीच में फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट आपकी ये रही, ठीक है। मोस्टली चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस कर दी हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है या कोई इंक्वायरी है आपकी, तो आप इन फ़ोन नंबर पर आप इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। ये फ़ोन नंबर आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके सिलेबस के लिए, एग्जाम पैटर्न के लिए, आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, सरकारी सिलेबस sysylabus.com पर भी जाके देख सकते हैं इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो है ना सबका भला हो सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।